हरे कृष्णा, मेरा नाम कृष्णा वीरिया है। मैं ओरिजिनली स्पेन से हूँ। स्पेन से हैं। एंड माय चिल्ड्रन वर बोर्न हियर। मेरा नाम है दामोदर। मेरा नाम जाना। मेरा नाम निधि मोहन। नंद कुमार। मैं आई थी 2005 में एक महीना के लिए। तो जब मेरे को जाना था वापस, तो मैंने मामी पापा को फोन लगा दिया। तो मैंने बोला कि मेरे को वापस नहीं आना है। अच्छा। आप लोग इधर आइए। Whoever tried or experience living in Vrindavan, अगर बाहर जाएगा तो लगता नहीं है, दिल नहीं लगता है। ये जगह बहुत स्पेशल है। We came here because we are more happy in India and all these things, you know. But in Spain there is no the spiritual feeling, you know. Because I was living in Spain and it was not so good, and but here is very good, you know. Do you like India or not? Yes. Why? Because I was born here. And what are the best things of India? So what I like temples, cows. What is this? This is Kantimala. Why this is in your neck? Because I'm a devotee. And also Krishna protects us when we have Kantimalas. तो अब आपका जीवन कितना बदल गया 2005 से आप भारत में संपर्क में आए? चेंज हो गया बहुत ना, क्योंकि पहले मेरा इंटरेस्ट और कुछ में थे। लेकिन अभी तो मेरे को कीर्तन करना बहुत पसंद है। छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे सुमेरे रामना गोपाल। अपना धर्म को पालन करना चाहिए, क्योंकि देखो हम लोग पूरा दुनिया से भारत आ रहे हैं। आपका जो धर्म है वो सबसे प्योर है, और हमेशा याद में रखना है कि भक्ति का भी ना और ठाकुर जी के रिलेशन बनाने का भी ना कुछ है, कुछ लाइफ में है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृंदावन में। वृंदावन में मैं लगातार आपको विभिन्न प्रकार के साधु संत महात्मा तपस्वी साधकों के साथ संवाद श्रृंखलाएं दिखाता हूँ, और विशेष तौर पर विदेशी साधकों के साथ संवाद श्रृंखलाएं दिखाता हूं। आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ एक माता जी हैं और उनके बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे कौन से देश से हैं और कब भारत में आए और यहां पर क्या क्या सीख रहे हैं और कैसे भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए। बहुत स्वागत है आपका, क्या नाम है? हरे कृष्णा, मेरा नाम कृष्णा वीरिया है। कृष्णा वीरिया, कौन से देश से हैं आप? मैं ओरिजिनली स्पेन से हूँ। स्पेन से हैं। स्पेन से कृष्ण वीरिया जी हैं, उनके बच्चे हैं दामोदर हैं, जानवा हैं, निधि मोहन हैं और नंद कुमार। मतलब आप देखिए, स्पेन का एक परिवार है जिनका जो नाम है वो बड़े आध्यात्मिक से नाम है। तो कब आना हुआ भारत आपका? मैं पहली बार आ गया 2005 में, जब 16 साल की थी। 2005 में 16 साल की उम्र थी? एक्चुअली मैं आई थी 2005 में एक महीना के लिए। तो जब मेरे को जाना था वापस, तो मैंने मामी पापा को फोन लगा दिया। तो मैंने बोला कि मेरे को वापस नहीं आना है। अच्छा। आप लोग इधर आइए। तो वो लोग भी आए थे एक साल बाद 2006। यानी कि 16 साल की उम्र में आपको लगा कि अब यहाँ से वापस जाना नहीं है। हाँ। अभी कितनी उम्र है? 33। तो क्या क्या चीजें अच्छी ऐसी लगी कि आप स्पेन छोड़ करके आपने सोचा कि अब वृंदावन में रहा जाए? वृंदावन में क्या है कि जो भक्ति लाइन का प्रैक्टिस करता है ना, तो इधर सब कुछ है, कीर्तन है, गाय का देखभाल करते हैं, कीर्तन हो रहा है सब जगह में, और इधर परिक्रमा और साधु संत का सेवा सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं। इन विच क्लास यू आर दामोदर? आई एम गोना पास 9th क्लास। नाउ आई विल गो स्टडी टू मायापुर। आई विल स्टडी देयर। या, डिवोटी स्कूल। डिवोटी स्कूल। यू डोंट नो हिंदी? नो। A What? Little bit, very little. How much? Very little. I only know 2 words. Which? Bad words. Bad words? Yeah. Which one? Pagal ho gaya and chutia. Only that words. who taught you this bad word? Well, I only heard. I heard that words. But oh. I don't know really the meaning. You don't know really the meaning. Don't speak it publicly because my mom told me that. Yeah, it's not good. Okay. See, the cows are outside. Yeah, we will see them after this interview. And in which class you are? I'm in class 3. Class 3. And you? 5. Class 5. So you know any shloka of Bhagavad Gita? Yeah, you know. Arjuna vacha katam bhima mahansam kai dronam cha madhusudana isubhi pratyasami pujaraha parisudana. And you?
I know. Kashyascha Parameshvasa Bhima Arjuna Samayudhi Yuyudhana Viratascha Satyakishcha Parajitaha. So can you please all recite Hare Krishna Mahamantra? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. So, Damodar, you are born in India? Yeah, I'm Vrindavan. I'm born in Vrindavan. How many years old are you right now? I'm 14. 14 and you? I'm 9. And you? 13. Have you been in Spain? Yes. 6 years. 6 years. In 6 to 7 years in Spain. So, Damodar, what the difference have you seen between Spain lifestyle and Indian lifestyle? There is one thing. India, but if you go to Vrindavan, it's like a village, no? Like a wildlife, no? There's cows in the street. But in Spain, there's like no cows or dogs in the street. And it's more clean, but there is no the spiritual feeling, you know? If you go there, because I was living in Spain, and it was not so good. But here is very good, you know? We came here because we are more happy in India and all those things, you know? From your point of view, which country is better? It is better in India. In India. So, what was your profession when you was in Spain? The first time I came when I was 16, so I was studying. And now I've been English teacher. I was also English teacher here and mother. And I actually mandir mein rehti thi udhar. So I seva karti thi, khana banati thi, puja karti thi. This you do here, that is the land of Krishna, no? He took his birth here, he did his pastimes here. So there is a very strong energy, spiritual atmosphere here in Vrindavan that you can feel it. Just right away when you cross, like, you come from the highway and you enter in Vrindavan, you feel different, no? You feel different than when you are in Delhi or when you are in Haridwar even. So that spiritual potency is there in Vrindavan. So lagta hai na, dil mein lagta hai, man mein bhi lagta hai ke ye jagah bahut special hai. So kyun hai? Kyunki Radha Krishna ka leela jahan pe hue the na bahut saal pehle. Lekin abhi bhi ho rahe hai. Roz hote hai lekin hum dekh nahi sakte kyunki hamara adhikar nahi hai abhi tak na. Whoever tried or experienced living in Vrindavan, अगर बाहर जाएगा तो लगता नहीं है, दिल नहीं लगता है। तो आप स्पेन में बीच में 6 साल के लिए स्पेन वापस चले गए, क्या याद आई भारत की? हम बहुत, तो सबसे पहले मेरे को कीर्तन करना बहुत पसंद है, सब लोग नाच रहे, सब लोग गाते हैं एक साथ, तो संघ कीर्तन क्या होता है कि संघ करते हैं ना, अगर एसोसिएशन, तो अगर हम लोग साथ में कीर्तन करते हैं, बहुत बहुत स्पिरिचुअल पोटेंसी है, तो दिल को बहुत साफ करते हैं, जो हमारा अनर्थ है ना, काम क्रोध लोभ, तो ये सब जब हम लोग साथ में कीर्तन करते हैं, ये सब प्यूरिफाइड होने जाते हैं। तो उधर भी है, क्योंकि हमारा प्रभुपाद जी ने कितना सारा मंदिर बना दिया पूरा देश, पूरा वर्ल्ड में, लेकिन वृंदावन का पोटेंसी अलग है। और आप देखा होगा कि कितना सारा भक्त है फ्रॉम द होल वर्ल्ड, देर इज़ लाइक चाइनीज, रशियन, साउथ अमेरिकन्स, यूरोपियंस, सो वी आर ऑल हियर फॉर जस्ट वन रीजन एंड वन पर्सन, दैट पर्सन इज श्रीला प्रभुपाद एंड दैट रीजन इज कृष्णा एंड राधा रानी। 16-17 साल हो गए भारत से आपको टच में, तो कितना जीवन बदला आपका पर्सनली, जो आपको फील होता हो? एक्चुअली मेरा जो कॉन्टैक्ट है भारत से जन्म से है, क्योंकि हम लोग ये भक्ति लाइन में है ना तब से, लेकिन पर्सनली जब से मैं हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले मेरा शादी हो गया कोई भारतवासियों से, और मेरा बच्चे भी हुए, और मतलब चेंज हो गया बहुत ना, क्योंकि पहले मेरा इंटरेस्ट और कुछ में थे, मतलब जब मेरा देश में थी तो मेरे को जिम करना अच्छा लगता था, और ऐसा मतलब दोस्तों के साथ घूमना पड़ती नहीं, लेकिन घूमना अच्छा लगता था, लेकिन अभी तो मेरा मन है कीर्तन में जाने का, ये सबसे पसंद है मेरे को कीर्तन करना, और इधर गायों के साथ रहना, बच्चा का सेवा करना। हाँ, तो ये जीवन बदला बदला बहुत। आप देखते हैं कि बहुत सारी जो भारतीय महिलाएं हैं आपके जैसी हैं दिखने में, वो
पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रही हैं, बच्चे हैं वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं, वेस्टर्निज्म को फॉलो कर रहे हैं, वेशभूषा आपकी पूरी भारतीय है, वो विदेशी वेशभूषा पहन रहे हैं, फटी हुई जीन्स पहन रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़, तो उनको किस तरीके से देखते हैं आप? मैं मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ उनको कि अपना धर्म को पालन करना चाहिए, क्योंकि देखो हम लोग पूरा दुनिया से भारत आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो धर्म है वो सबसे प्योर है और सबसे इस मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉलो करने के लिए है ना, पवित्र। हाँ, तो अगर फॉलो करेंगे जीवन भी पवित्र होती है। मूवीज में दिखाते हैं ना कि विदेश इतना अच्छा है और पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, अगर जाना है तो एक्सपीरियंस करो, लेकिन हमेशा याद में रखना है कि भक्ति कभी ना और ठाकुर जी के रिलेशन बनाने का भी ना कुछ है, कुछ लाइफ में है ही नहीं, कुछ है नहीं। समथिंग एल्स यू वांट टू कन्वे अ मैसेज, सम स्पिरिचुअल मैसेज? नो, आई हैव वन। या चंत हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ओके, लास्ट इसी भगवत गीता के श्लोक को आप माध्यम बना के दुनिया को कुछ संदेश देना चाहें। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व करण करणम, ये बोलता है कि कृष्णा सर्व करण करणम, सबका सब कुछ का करण है, और वो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद वो आनंद के मतलब हिस द फाउंटेन ऑफ आनंद, आनंदावत मीन्स लाइक ब्लिस हैप्पीनेस, नो सो पूरा दुनिया आनंद के पीछे दौड़ रहे हैं ना, तो if we are attached to krishna, we are somehow connected to krishna, then we can also feel that ananda in our life. okay, ab bhartiya log abhartiya ho rahe hain, paschatya ki aur bhag rahe hain, apne bachchon ka naam angrezon ke naam pe rakh rahe hain, videshi naam pe rakh rahe hain taki cool nazar aaye, taki cool mindset ke nazar aaye, aur videshi jo spain se hain, jo russia se hain, jo america se hain, jo canada se hain, jo european countries se hain, wo bharat aakar rehna chahte hain, bhartiya veshbhusha ko dharan karna chahte hain, भगवान का नाम लेना चाहते हैं और अपने बच्चों का और अपना खुद का नाम भारतीय नाम पर रखते हैं। लास्ट में वही भजन आप सब मिलकर जो आप सब गा सके। You can follow Radha Krishna Pranamo. I sing, you repeat, okay? Radha Krishna Pranamo Ra Jugala Kishor Radha Krishna Pranamo किशोर जीवने मराने गाती अरो नाही मोर जीवने मराने गाती अरो नाही मोर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोर। तो ये पूरा परिवार आपको कैसा लगा? आपको इनमें से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली किसकी बात लगी? आपको दामोदर की बात कैसी लगी, निधि मोहन की बात कैसी लगी, नंद कुमार की बात कैसी लगी, और माता जी कृष्ण वीरिया जी की बात आपको कैसी लगी, और कौन सी बातों से आपने इत्तेफाक रखा, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज वृंदावन से इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए साधक किसी नए सन्यासी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।